डॉक्टर अंकित, जिसे हम राहुल बोलते हैं, पटना से आया है, जो स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत जब भी पटने में होती है ये मुस्तैद रहता है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में भी ये कभी पीछे अपने को रखना पसंद नहीं करता है, चाहे जो जोखिम उठाना पड़े। बापे पूत परापत घोड़ा, कहानी आप लोग सुनते होंगे, तो सत्यनारायण बाबू की अखरता, तेज प्रखरता और साफ गोई, बुरा माने तो आप माने, अंकित में है। और इसलिए चे गोवारा की पंक्ति से इसका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि चे गोवारा ने कहा, अगर आपके दुश्मन नहीं हैं तो आप तुच्छ बेकार हैं। भगत सिंह की जेल डायरी में चार्ल्स मैके ने यही लिखा था कि अगर आपके दुश्मन नहीं हैं तो आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, इसलिए आपके दुश्मन हैं, यही आपके अस्तित्व का परिचय है। और यही चे गोवारा ने कहा, आपके दोस्त हैं अच्छी बात है, लेकिन दुश्मन नहीं है तो आप किसी काम का नहीं। तो अंकित ने दोस्तों की फौज भी तैयार की है, लेकिन दुश्मन भी कम नहीं है। और इस उम्र में चे गोवारा के रास्ते चलने का जो संकल्प ले, उसको हम तमाम लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और आप लोगों की ओर से मैं इसे आशीर्वाद दूँ। जो बता रहे हैं वह युवा चिकित्सक डॉक्टर अंकित। डॉक्टर अंकित अभी एक डेढ़ साल की उनकी पढ़ाई बाकी है, लेकिन कोरोना के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कुछ डॉक्टरों की जो सूची जारी की, उसमें ये इकलौते डॉक्टर थे जो रात भर इनका फ़ोन बजता रहता था, और बहुतों सैकड़ों कोरोना के मरीजों को सलाह देना, उनके इलाज में मदद की, जबकि इनके खुद अपने पिताजी का कोरोना में निधन हुआ। सत्यनारायण सिंह जो CPI के राज्य सचिव थे, तो मैं उनके पुत्र डॉक्टर अंकित से आग्रह करता हूँ कि मैं अपनी बातें। साथी अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित तमाम विद्वत्जन और यहाँ तमाम माताओं बहनों, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक जस्ट चिकित्सक के तौर पे हूँ। और चूँकि हमारा रिलेशन कॉमरेड राजन जी से है, इनको कॉमरेड इसलिए कहता हूँ कि ये आज भी उस लक्ष्य के लिए हैं जिस लक्ष्य के लिए हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए इनको चाचा भी नहीं कहता हूँ, कॉमरेड कहते आया हूँ सब दिन से। या दूसरा बात मैं दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज चे गुवेरा की पुण्यतिथि है। चे गुवेरा पे एक फिल्म है, YouTube पे फ्री में आप देख सकते हैं, मोटरसाइकिल डायरी, इंग्लिश सब टाइटल मिलेगा। और ये मेरे बताने का मकसद ये है कि घूमने से क्या एक व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है, आप देख सकते हैं उस फिल्म के माध्यम से। उन्होंने 12,000 किलोमीटर की यात्रा एक साल में मोटरसाइकिल से की थी, और उस क्रम में उन्होंने जितने तमाम तरह के विरोधाभास लैटिन अमेरिका में देखा था, उसको उस फिल्म में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। वही सेम चीज़ गांधी जी ने इंडिया में, भारत में, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद किया था। तो आप कोरिलेशन देख सकते हैं, बड़े व्यक्तित्व के जो स्वामी होते हैं उनका किस तरह से निर्माण होता है, और किस तरह से बड़े दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं, इस माध्यम से देख सकते हैं। आजकल एक नया चलन आप लोग सोचते होंगे गौ मांस और बहुत तरह की बातें, तो आप इस मुद्दे पे हम कहना चाहेंगे कि जो घूमने वाले लोग होते हैं, ट्रैवलिंग से, अगर मैं कुछ दिन पहले, 2 साल पहले गोवा गया था, तो मैं जिस जगह ठहरा था वहाँ पे बगल में ही एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, और वो हिंदू परिवार ही था। और आप आश्चर्य करेंगे, वहाँ पे खाने और पीने के बदले वहाँ शराब बांटा जा रहा था, और मुझे तो घनघोर आश्चर्य हुआ ये क्या हो रहा है। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हम लोगों ने क्रिश्चियनिटी से, वहाँ पे जो हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए थे पुर्तगाल के शासन के दौरान, उन लोगों से उन्होंने सीखा था, और उन लोगों के मरने और जन्म लेने दोनों के, खुशी और गम के दोनों की स्थिति में वो शराब का सेवन करते थे। ये मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और ये चीज़ अगर बिहार में हो या UP में हो तो हम लोग इस बात पे घनघोर आश्चर्य करेंगे, उसे समाज से बदर कर देंगे। तो ये चीज़ होता है, देखने मिलता है हम लोग को।
एक जो गौ मांस की बातें होती है उस मामले में कहना चाहूँगा, ये खान पान बिल्कुल खान पान रहन सहन जो है ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, भूगोल पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कृषि जोतने योग्य भूमि ही नहीं होगी तो हम उगाएंगे क्या, खाएंगे क्या? तो उसके लिए जरूरत, हम जानवर पे डिपेंडेंट होंगे। इस चीज़ों को समझना चाहिए। हम जो एक भावनात्मक तौर पे जुड़े रहते हैं गौ मांस भैंस या जिस तरह का भी होता है, आप रूस में जाएंगे तो वहाँ घोड़े को खाते हैं, आप अरब में जाएंगे तो वहाँ ऊँट को खाते हैं, आप नागालैंड जाएंगे यहाँ पे भी, अगर नागालैंड के कुछ पुलिस वुलिस आते थे तो सुनते थे कि गांव में कुत्ते खा जाते हैं। जब मैं नागा लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये वहाँ पे खाने के लिए सब्जी उगाने के लिए जगह ही नहीं है, तो करेंगे क्या? तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सुनते आए हैं। उससे पहले जो एक दो बात कहने से पहले मैं कह दूँ, मैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ छात्र हूँ और एक जो पोलियो वैक्सीन आप लोग सुनते होंगे, पोलियो ड्रॉप जो सप्ताह महीने महीने में आते हैं और फिर साल में दो तीन बार एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, तो उसके जो इन्वेंशन जिन्होंने किया था, जिन्होंने खोज किया था, उनका नाम था जॉन सॉक। जॉन सॉक साहब जो थे उनको रॉयल्टी तब देने की बारी आई, जो प्राइवेट जो फार्मा कंपनियों ने कहा कि आप रॉयल्टी ले लीजिए और इसके बनाने का फॉर्मूला हमको दे दीजिए, उसके बदले उनको आज के हिसाब से 1600 करोड़ रुपया मिलता रॉयल्टी, 1600 करोड़ रुपया आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मैंने खोज किया है या जो मैंने डिस्कवरी किया है या जिसको बनाया है, मैंने अपने 34 साल के मेहनत पर बनाया है और ये मानवता के लिए समर्पित है, हम उसके लिए एक भी पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने रॉयल्टी नहीं ली और तमाम अपनी जो भी जायदाद थी उन्होंने ह्यूमैनिटी के नाम समर्पित कर दिया, जो भी उनको पैसा मिला, और उस फंड को उन्होंने पूरे अफ्रीका और इंडिया के जितने भी देश जो पोलियो से प्रभावित थे उस इलाकों में उन्होंने इसको अपने जो उनको उनकी कमाई हुई उससे बंटवाने का काम किया। तो लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी नहीं है, मानवता नहीं है, या डॉक्टर जो होते हैं वो बेईमान किस्म के होते हैं पैसा का, लेकिन ये भी उदाहरण तो है, हम इस उदाहरण को क्यों भूल जाते हैं? ऐसा भी तो हुआ है जो अपना सब पूरी ज़िंदगी लगा दिया हो और फिर कुछ भी समाज ने उसको कुछ भी नहीं दिया हो, उसके बाद वो खुशी खुशी सारी चीज़ों को बर्दाश्त किया हो। मैं ऐसा इसलिए सुना रहे हैं इन कहानियों को क्योंकि लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, इन चीज़ों का जिक्र नहीं करते हैं। इसलिए जॉन सॉक साहब की श्रद्धांजलि के तौर पर हम ये सुनाए कि ये बताना बहुत ज़रूरी है, पोलियो से आज लाखों लोग बच रहे हैं। हो सकता था कि हमारे दादा परदादा लोग भी मरते, लेकिन उनकी वजह से आज सब लोग जिंदा हैं। एक अंतिम बात हम कहना चाहेंगे, गांधी का भी जिक्र हो रहा है आज के दौर में, क्योंकि अंबेडकर साहब भी हैं, गुवेरा भी हैं और फिर गांधी जी भी हैं। गांधी जी के संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं मजबूरी का नाम गांधी जी, ऐसा हम लोग टर्म में यूज करते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के लोग, उत्तर भारत के लोग। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं पिछले 200 सालों में उससे मजबूत आदमी पूरी दुनिया ने नहीं देखा है, जिसने उस साम्राज्य की नींव हिला दी जिसका सूरज अस्त नहीं होता था। हम इतना ही कहना चाहेंगे। जिंदाबाद।